बदौलत हमने घनो अच्छी क्वालिटी नो फूड प्रोडक्ट मिले जेना से हमारो लाइफ स्टॉक साथ अंदर हमारो जो फूड प्रोडक्ट छे वो एनहांस થઈ सके। इना लिए हमें बी कीपिंग जो छे जिन्हें हमें एपिकल्चर कहिए छे वो एक तरीको भी छे जेना से हनी जो छे उन्हें हमें और प्रोडक्शन कर सके छे उना जो प्रोडक्ट छे वैक्स उनो भी हमें एनहांसमेंट कर सके छे। आज ना इराना अगर हमें टुडे इरामा देखिए तो बहुत ज़्यादा हनीनो जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल थे डिफरेंट वेराइटीज़ ना हनी जो है वो डिसऑर्डर्स ना लिए भी ट्रीटमेंट ना लिए भी यूज थी रहा है। तो आजकल हनीनो जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल थी रहा है। तो हनी जो है एक तो आना अंदर ज़्यादा पैसों लगते नहीं बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छो तरीके से हमारे आनो जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छो मिले। साथ ना अंदर फार्मर जो है एक सेकेंड इनकम सोर्स बनी गयो है अधिकतर फार्मर्स नो। सो तो लेट्स सी इन दिस लेक्चर। सो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट बी कीपिंग एपिकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यों करी रहा है यहाँ तो मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। मेंटेन करना बहुत जरूरी है उन्हें मेंटेनेंस बहुत जरूरी है के ना लिए उन्हें हेव छत्ता ने हनी बी ना प्रोडक्शन ना लिए के ना हनी और वैक्स ना। क्लियर। हनी इज अ फूड प्रोडक्ट फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू क्योंकि हनी ना अंदर बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है। क्लियर। हनी जो है एज अ रेगुलेटर कंट्रोल भी यूज थाई छे हार्मोन रेगुलेटर भी यूज थाई छे हनी हेल्थ इम्प्रूविंग सब्सटेंस नी तरह भी यूज थाई छे। क्लियर। हनी जो है एक तरीके से कॉन्शियसनेस बढ़ावाना लिए भी हनी नो इस्तेमाल थाई छे। यूज ऑफ द एंडीजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन अधिकतर मेडिसिन जो है जितनी भी होम्योपैथिक यूनानी आयुर्वेदिक मेडिसिन अंदर हनी नो यूज थाई छे हनी ना बेसिस ना ऊपर मेडिसिन बनावी जाय छे। अधिकतर यूनानी मेडिसिन अगर हमें देखे जेना मां डाबर हमदर्द जो प्रोडक्ट छे यूनानी मेडिसिन ना अंदर भी बहुत ज़्यादा हनी नो इस्तेमाल थाई छे। उन्हें जो चटनी वगैरह जो बनी है जो प्रोडक्ट बने छे जो यूनानी मेडिसिन्स हुई छे वो हनी ना बेसिस ना ऊपर बने छे। बी वैक्स यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज बहुत सारी इंडस्ट्रीज ना अंदर बी वैक्स यूज थाई छे सच एज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स बनाने लिए या फिर बहुत सारी वैरायटीज दी पॉलिशेस बने छे वो पॉलिशेस ना अंदर भी वैक्स नो इस्तेमाल थाई छे। क्लियर। हनी एक तरीके से एक स्वीट एडिबल फ्लूइड छे जिन्हें हमें कहिए छे हनी जो है एक मीठू शहद जो है उन्हें जो कि मधुमक्खी से ना इस्तेमाल से या मधुमक्खी नो बाय प्रोडक्ट है जो मधुमक्खी बनावे छे जो शहद छे वो एक स्वीट इन टेस्ट हुई छे बहुत ज़्यादा मीठो हुई छे क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी ना अंदर शुगर प्रेजेंट हुई छे साथ अंदर एक एडिबल फ्लूइड छे ये विस्कस हुई छे थोड़ो सो गाढ़ो हुई छे एडिबल फ्लूइड छे जो कि कंटेन करे छे मोस्टली शुगर वाटर मिनरल्स बहुत तरह ना मिनरल्स प्रेजेंट हुई छे हनी ना अंदर बहुत तरह ना विटामिन्स साथ में अमाइनो एसिड एंजाइम्स एंड पोलिन। क्लियर। यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर बहुत सारा डिसऑर्डर्स ना अंदर भी हनी ना इस्तेमाल थाई छे और ट्रीटमेंट ना लिए डाइजेशन ना लिए डाइजेशन डिसेंट्री ना लिए वॉमिटिंग जिन्हें नोशिया की प्रॉब्लम हुई जो वॉमिटिंग ना लिए स्टमक और लीवर एलिमेंट ना अंदर भी हनी नो बहुत ज़्यादा उन्हें क्योर अप करवाना लिए या फिर उन्हें बूस्ट करवाना लिए एज ए इम्यूनिटी बूस्टर भी हनी जो है बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले करे छे। एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ एपिकल्चर आर प्रोडक्शन ऑफ प्रोपोलिस एंड पॉइजन। आ तो वो थे जो हमारे बहुत वेल नोन प्रोडक्ट है अगर आना
अलावा हमें देखिए तो प्रोपोलिस और पॉइजन जो छे वो भी एक तरीके से हनी ना एपिकल्चर ना अंदर हमारे मिले छे, और वो जो प्रोडक्ट छे वो आयुर्वेदिक नी प्रिपरेशन ना अंदर और होम्योपैथिक नी प्रिपरेशन ना अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बी फार्म आर एस्टेब्लिश इन एरिया वेयर अबेंडेंट ऑफ वाइल्ड शब, हमें वो एरिया ना अंदर बी फार्म एस्टेब्लिश कर सके छे जो एरिया अंदर वाइल्ड शब हो, फ्रूट हो, ऑर्चिड फ्रूट्स फ्रूट्स ऑर्चिड्स हो, कल्टीवेटेड क्रॉप हो, जिना डायमीटर हो एक से बे किलोमीटर ना डायमीटर ना अंदर वो चीज़ों प्रेजेंट हो। द बी हैव्स व्हेन कीप इन द फील्ड ऑफ सनफ्लावर, अगर मधुमक्खी ना छत्ता हमें सनफ्लावर में फील्ड में लगा लिए या वैसी काली फील्ड में लगा लिए या एग पर या पीनी फील्ड में लगा लिए तो आ इंक्रीज कर दे से पॉलिनेशन ने, पॉलिनेशन ने इंक्रीज कर दे से एफिशिएंसी बढ़े दे से पॉलिनेशन ने एंड फ्लावरिंग प्लांट जो है वो इम्प्रूव कर दे से और यील्ड बहुत अच्छी हमारे मिल से, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट शू करे छे बहुत अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे छे, फ्रूट नो फॉर्मेशन करे छे, तो यील्ड हमारी बढ़ी जाए छे बाय द यूज ऑफ पॉली बाय द मेथड ऑफ पॉलिनेशन। तो हनी बी जो है जो बीज जो छे वो शू करे छे पॉलिनेशन ने बढ़े दे छे, तो एज अ बीज आर अ पॉलिनेटर आल्सो। क्लियर? बे वेराइटीज नी बीज होय छे, बे तरहनी होय छे, टू वेराइटीज ऑफ बीज आर प्रेजेंट लोकल एंड एक्सोटिक, एक होय छे लोकल और एक होय छे एक्सोटिक। लोकल में अगर हमें देखिए तो एपिस सेरेना इंडिका जो कि इंडियन बीच है, एपिस डोर्साटा जो कि रॉक बीच है, रॉकी माउंटेन या रॉकी एरिया से अंदर मिली है, और फ्लेरो एपिस फ्लेरो जो कि लिटिल बीच है, छोटी मधुमक्खी। क्लियर? एक्सोटिक जिन्हें हमें कहिए जी कि जो कि बहुत ज्यादा बहुत आज टुडे एरिया ना अंदर अगर हमें प्रेजेंट ना अंदर उन्हें देखिए तो बहुत ज्यादा एक्सोटिक वे में यूज थे जो बहुत लार्ज स्केल ना ऊपर बी कीपिंग ना अंदर जो छे वो एक्सोटिक ना अंदर एपिस मेलिफेरा जो जो कि एक इटालियन एक्सोटिक बी नी वैरायटी छे वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल थे रही छे, बहुत लार्ज प्रोडक्शन आई। क्लियर? और नेक्स्ट छे एपिस एडम्सोनी। क्लियर? तो आ जो बीज छे आ बहुत अच्छी वैरायटीज नी छे जेना से हमें बहुत अच्छे से बी कीपिंग या एपिकल्चर कर सके छे। हमें कुछ वो इम्पोर्टेंट हैबिट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट छे जो कि बहुत सक्सेसफुल वे ना अंदर बी कीपिंग कर सके छे, वो पॉइंट छे नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ बीज। बीज नो नॉलेज हो बहुत जरूरी छे, बीज ना नेचर नो भी और ओनी हैबिट नो भी, किवी रीते बीज ने हैंडल करो जाई सके छे ओनो नॉलेज बी ना एक्चुअली ओनो नॉलेज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी आ काम करे करेगी। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, बी हाइव्स ना लिए बहुत सिलेक्टेबल जो छे लोकेशन हो चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा फ्लावर्स नी फील्ड हो, बहुत अच्छा क्रॉप फील्ड हो, तो वहाँ बहुत अच्छे से बी कीपिंग था से। क्लियर? कैचिंग एंड हैविंग ऑफ शॉप्स, उन्हें कैच करो और उन्हें हैविंग करो ग्रुप ऑफ बीज नी आ भी एक बहुत अच्छी हैंडलिंग प्रोसेस छे, आना एक्सपर्ट हो बहुत जरूरी छे। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन, अलग अलग मैनेजमेंट जो छे बहुत इम्पोर्टेंट छे, प्रीफर अ गुड मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि गुड मैनेजमेंट से अगर बहुत ज्यादा बारिश ना अंदर भी छत्ता जो छे वो गिरी जा से, बी हाइव जो छे वो गिरी जा से, खराब थी जा से, तो बी कीपिंग नहीं थी सके, एपिकल्चर नहीं थी सके, हनी जो छे वो हमारे प्रोडक्ट नहीं मिल पाए। अगर बहुत ज्यादा गर्मी था से तो भी प्रॉब्लम था से, तो एना लिए बी कीपिंग करवाने लिए एक बहुत अच्छो अप्रोप्रिएट उना कंडीशन अकॉर्डिंग टू द नीड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बहुत अच्छो हमारा पास उनो सिस्टम हो चाहिए और एक मैनेजमेंट नो तरीको हो चाहिए। प्रीफर परफेक्ट हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स ऑफ द हैंडलर, हैंडलर ना लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि परफेक्ट हैंडलिंग और कलेक्शन हो चाहिए हनी बी नो। क्यों? क्योंकि हनी बी से जो हमें वैक्स लेना चाहिए और
बी वैक्स ने कलेक्ट कर रहा छे, तो उनी हैंडलिंग बहुत इम्पोर्टेंट छे। अगर उनी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हुई तो हैंडलर ने जो छे उन्हें क्षति पहुंची सके छे, ओना से उन्हें डैमेज थी सके छे। क्लियर? तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट और बहुत अच्छी हैंडलिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो छे वो उन्हें ट्रेन भी करे छे, बहुत अच्छे से उन्हें सिखावे छे ताकि बहुत अच्छे से बी कीपिंग एपिकल्चर थी सके। सो फ्रेंड प्लीज नोट इट डाउन ऑल द पॉइंट, इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आ लेक्चर ना अंदर हमें एम जोयो कि किवी रीते हमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट से बहुत अच्छा तरीका से बी कीपिंग करी सके छे और बी कीपिंग हमारा लिए कितना फायदों दे सके छे, एपिकल्चर से हमारे कितना अच्छा इनकम सोर्स जो छे वो मिले छे। टुडे ईरान अंदर बहुत इंपॉर्टेंट छे और बाय द एपिकल्चर मेथड वी एक्चुअली इंक्रीज द और वी एनहांस अवर फूड प्रोडक्ट। सो I think you learned well in this lecture. If you have any query, please ask me. Thank you.